ए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बोल, विक्रांत कहाँ है? बोल। सच में? अभी पता चला मुझे। पूरी इंक्वायरी कर ली ना? हाँ, इंक्वायरी की थी। वो नहीं है, छोड़ दो उसे। ठीक है। क्या हुआ रे? ये वो नहीं है बॉस। ये? वो नहीं है? उन्होंने पूरी इंक्वायरी कर ली है, अब इसका क्या करें? ये, ये। हमारे पिटाई से दोस्त की बत्ती गोलों के लिए अब क्या करें? वो साला बच गया। वो चूहा जिस भी बिल में हो उसे खुद निकालूंगा। बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। कर समंदर में फेंक दे। क्लास बंक करके हम लाइब्रेरी में क्यों बैठे हैं? ये साइलेंस तो मेरी जान ले लेगा। उस वॉयलेंस से तो ये साइलेंस बेटर है। कौन है रे? लाइब्रेरी में फोन साइलेंट पे रखता है पोता? नहीं, अरे बाबा लाइब्रेरी नहीं, ये शॉपिंग मॉल है, लड़कियों का मेला लगा है। तुम यहाँ बोर हो रही थी ना, एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, तो चलो तुम्हें 3D मूवी दिखाती हूँ। सच में आना, आ जा जल्दी। तुझे तो नहीं बुलाया? दिमाग खराब है क्या? छेड़ क्यों रहा है? कब छेड़ा? की होई चे? क्या किया इसने? इस गुंडे को आपका भी डर नहीं है? मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा है। कीरे, क्या बोला? मैं तो दोस्त को बुला रहा था। आजा, सीधा आजा। सुना मैडम, ये मुझे हॉट कहकर रात में बुला रहा है, मुझसे चीप फ्लर्ट कर रहा है। क्यों रे, तू जानता ना ये कौन है? ये यहाँ के HOD की बेटी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो मैं खाल उधेड़ दूंगी। हाँ मैडम, ऐसे लड़के पर तो रेप चार्ज लगाकर जेल में डाल देना चाहिए। बीच चौराहे पर इसे फांसी पर लटका देना चाहिए।
अरे तो चुपचाप सॉरी बोल देना। ओए, खुद को थप्पड़ मार और सॉरी बोल। सॉरी अपने पापा को भी नहीं बोलता, इसको क्यों बोलूं? अगर तूने इसे सॉरी नहीं बोला तो इसी कॉलेज की लाइब्रेरी से निकल कर ये बात सारे टीवी चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैला दूंगी, फिर सब चैनल तुझसे सॉरी बुलवाएगा। क्यों ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है, प्लीज सॉरी बोल देना। सॉरी दीदी, माफ कर दो, कभी पंगा नहीं लूंगा। चलो। एकदम डरना नहीं बेटी, निश्चिंत होके जाओ। थैंक यू मैम। उसकी तो मैंने हालत ही पतली कर दी, लाइब्रेरी में बड़ा मजा आया। रेट क्या है? 11। क्या एक रात के 10,000? 10,000? 10,000? 10,000? व्हाट? देखिए मिस, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हे, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने मेरा रेट कब पूछा? आप पब्लिक में अपना रेट बता रही हैं? अगर कोई सुन लेगा तो फ्यूचर में मेरी शादी की प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब मुझे आवारा समझेंगे। पागल हो गए हो क्या? मामला क्या है? देखिए ना सर, इसने मुझे क्यूट कहा, रात को घर पर बुलाया, रेट 10,000 कहती है। क्या कहा? एक रात का 10,000? सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। चुप, मैं हूँ ना मामला सुलझाने के लिए। बताओ इसने क्या पूछा? इसने मुझसे रेट पूछा था। फिर इसने क्या कहा? इसने कहा 10। सर, सर मैंने इसे 11 कहा था। सर सुना आपने, इसने फिर से अपना रेट बढ़ा दिया। अरे बाप रे, इसका रेट तो बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा सुनो बेटे, तुम मैचोड़ी की बेटी हो ना, उनका नाम इस तरह बदनाम मत करो, जो कर रही हो वो गलत बात है, दोबारा कभी ऐसा करना भी मत। चलो जाओ। हुआ ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मैटर खत्म, सब लोग क्लास में जाओ, कोई यहाँ नहीं रुकेगा, गेट आउट। इस थ्योरी के 3 हिस्से हैं, इस सेमेस्टर में हम जानेंगे। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, लेक्चर बंद करो, अब ये बर्दाश्त नहीं होएगा, इसे आज ही खत्म करने का है। ओहो, क्लास खत्म होने में अभी टाइम है। खामोश, और तुम अजी सटकली, इस गुंडे विक्रांत को सस्पेंड करो, वो भी अभी के अभी। हाँ, अभी के अभी, पहले मुझे मामला तो समझाओ, जानते भी हो वो क्लास का टॉपर है। सर मैं इनकी नाराजगी की वजह अच्छी तरह जानता हूँ, क्लास खत्म होने दीजिए, इस मामले को हम बाद में सुलझा लेंगे प्लीज। देखा सबके सामने कैसा भोला बन रहा है, अब ये नाटक बंद कर, ये मामला यही सुलझेगा अभी के अभी। ठीक है, आपने ठीक से सोच तो लिया है ना। एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मैं किसी की नहीं सुनता। तो ठीक है, इस हालात का आंखों देखा समाचार आपको दिखाएंगे हमारे विशेष संवाददाता बबलू। बबलू, बबलू तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। तो हमारे लेक्चरर रोमांटिक रामनाथन गुरुजी के बारे में आपके पास क्या समाचार है? अच्छा विक्रांत सुनो, रोमांटिक रामनाथन की गुरुपंथी का एक वीडियो हमारे पास है, मैं सबको दिखाता हूँ। ओवर टू स्टूडियो। हाय प्रोफेसर साहब, ये शैलजा मैडम को चिड़चिड़ी नहीं हो गई? क्यों नहीं होगा जी, मैडम के पास कोई काम तो है नहीं, सारा दिन काम करके जब इसका पति थका रहा है ऑफिस से घर आता है तो भी वो रात में अकेले सोता है। लगता आपने देखा है। रात को मछली खाया था, पेट खराब हो गया, मैं जाता है। गपर, गपर। तू अगर पूरी क्लास के सामने बदनाम करेगा तो हम भी यहाँ चुप नहीं बैठने वाला। एक मिनट सर, ये मेरे पास टाइम नहीं है। बबलू तुम्हें हेडफोन्स पर विजय सर की आवाज तो आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो बताओ हमारे विजय सर कल रात 10 से 12 के बीच में एग्जैक्टली कहाँ पर थे? कल रात विजय कुमार सर रंग महल थिएटर में 4th शो देखने गए थे, जहाँ लगी है सजनवा के प्यार में मेहरारू बेहाल, जो पिछले 4 हफ्ते से ढरकियों के बीच धूम मचा रही है। आ, बा, बा, याद है, मैं चलता हूँ, मेरा टाइम खराब चल रहा है। अब आपकी बारी है। सर आप कोई मामूली चैटिंग मास्टर नहीं है, एक आदमी और 4 लड़कियाँ, हेमा रेखा जया और साथ में सुषमा भी, 24 घंटे चैटिंग फ्लर्टिंग फोटो शेयरिंग और पता नहीं क्या क्या। क्यों सर हैरान हो गए, आपकी चैटिंग फ्रेंड्स यहीं पर है, हेमा रेखा जया और सुषमा। अरे सारे किए कराए पर झाग वाला पानी फेर दिया इडियट। आप इनको क्यों डांट रहे थे, पहले खुद की हरकतें तो देखो। चलो अभी हटो। उई माँ, किसका फोन था? निकल ले। माँ को क्या बताऊंगा, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं। हेलो कहाँ हो? मॉम मैं बबलू ने ना टिकट खरीद ली थी और जबरदस्ती मुझे पिक्चर दिखाने लाया है। पिक्चर दिखाने?
तो आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? साइलेंट फिल्म है क्या? नहीं मॉम, बस अभी शुरू हुई है। मेरा नाम मुकेश था, मैंने खूब गुटखा खाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मैं ठीक हो जाऊंगा ना डॉक्टर? मुकेश बच नहीं पाया। स्मोकिंग बैन है यार, चलना बाहर चलते हैं। ये एड बताता है कि तुम थिएटर में ही हो, लेकिन सुन विकी, ये बबलू बहुत बड़ा नालायक है। मुझे डर है कि ये कहीं तुझे बिगाड़ ना दे। पिक्चर खत्म होते ही घर आ जाना, ठीक है? बाय मॉम। बाय मामा। सारे संसार की माओ को अपना बेटा श्री कृष्ण लगता है और उसके दोस्त लगते हैं कंस मामा। एक्सपेरिमेंट की भी हद होती है, पूरे कमरे को इसने जादुई गुफा बना दिया है। ए, उठना, तू भूल गया कि आज बॉक्सिंग का मैच है? डैडी प्लीज, डैडी बॉक्सिंग और कराटे नहीं सीखना है, सोने दो ना। मॉम आ गई। सीन चेंज करो। अरे सिगरेट दिखेगी तो मार देगी। मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम। मेरा प्यारा बच्चा, ये क्या सुबह सुबह इसे जगाने आ गए? जगाने आ गए? तुम भी यही सोचती हो? माँ बेटे दोनों एक से, बेटा एक नंबरी, माँ दस नंबरी। चल पकड़ इसे, आ जा रिंग में, चल। बाय। क्यों मास्टर, प्रैक्टिस के लिए आपसे बॉक्सर लाने को कहा था, पहलवान लेके चले आए? चैंपियन बनने के लिए पहलवानों को हराना पड़ता है। देखो बच्चा बेचारा डर गया। इसे बच्चा समझने की गलती मत करना, इसमें रॉकेट जैसी तेजी है, ये अगर एक बार शुरू हो गया तो खुद से ही रुकता है, कोई दूसरा नहीं रोक सकता। अच्छा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ए, इनकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। लगता है हॉस्पिटल में भर्ती होना है। कितनी मार खाएगा? मेरी बात मान, पेपर पर साइन कर दे। कुछ भी हो जाए पर मैं साइन नहीं करूंगा। मैं देखता हूं कि वो पेपर साइन कैसे नहीं करता। फिक्र मत कीजिए, पेपर आज शाम तक ही मुंबई पहुंच जाएंगे। चाकू देना। ए! 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 ए!
मैं साइन करूंगा। साइन कर। संभाजी, मैं एमएलए हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, पर तुमने मुझे गुंडा बना दिया। थैंक यू मामा। सुने मूर्ति जी सर, प्यार से चाकू निकालना और ठीक से मामा का इलाज करवाना जी। पेपर्स दो संभाजी। बबलू आंटी, पोहा चाहिए क्या? अच्छा बनाए तो दे दो। अरे बबलू, तू बासी क्यों खा रहा है? ये तो परसों का है, कुत्ते को देने जा रही थी। पहले बताना चाहिए था ना। तेरे लिए बासी ही सही है। ओ, बासी। अंकल, आपको एक बात पूछनी है। पूछ तो लिए। दो बात पूछनी है। अभी तो पूछी। ओह, खिलाड़ी से खेल। मुझे चार बात पूछनी है। चार सवाल तो हो गए। कब? अभी हुए ना। हर घर में एक पागल होता है, यहाँ पूरा घर पागल खाना है। ए, रुक ना जरा, मैंने तेरे लिए लौकी का दलिया, मूंग की सब्जी, बाजरे की रोटी सब रखी है। भरुआ कद्दू, करेले की चटनी, तरबूज की सब्जी और तुरई की मिठाई, वो भी खिलाओ ना। जिस दिन तुम्हारे पेट में गैस नहीं होगी ना, उस दिन बनाऊंगी। इसकी मत सुनना, तू टिफिन खाना, इसे मत खिलाना। तू खा, तू खा जा, खा जा, खा जा, चल चल बस। घर के पास मंदिर, भगवान प्रसन्न होंगे। तेरा रेगुलर भिखारी कब आएगा? देखा गया। आंटी रेडियो पे रेसिपी सुन के खाना बनाती है, टिफिन भरती है और तू इस झिंगुर को दे देता है। बेचारी मॉम रोज प्यार से मेरे लिए खाना बनाकर टिफिन में पैक करती है। मैं तो तेरे टिफिन से भी खा सकता हूँ, पर इस बेचारे का क्या, इसीलिए इसे खिला देता हूँ। मुझे खाना खिलाकर मेरी मॉम खुश और इसे खाना मिल गया इसीलिए ये भी खुश, मतलब सब के सब हैप्पी। मैंने तेरा टिफिन नहीं खाया इसलिए मैं खुश। अच्छा लगा ना? ठीक है, कूली वाली पगार मुझे दिया करना, मैं उठा लूंगा। ओए, क्लास क्यों नहीं गया? क्या बे, कॉलेज में नया आया है, तेरी हिम्मत कैसे पाक करने की है? अरे तो बोर्ड लगा तेरी तो, चल निकल यहाँ से। ये लोग दिनेश के नाम पे रोज गुंडागर्दी करते हैं। ए, अपनी बाइक वहाँ लगा, देखते हैं क्या करते हैं। नहीं यार, दिनेश वैसे भी हम पे गुस्सा है, उसका भाई इलेक्शन लड़ने वाला है, उससे पंगा मत ले यार। हम उससे डरते हैं इसीलिए वो रॉब झाड़ता है। चल चल गाड़ी पे चले, चल निकाल। हाँ अनघा, हाउ यू? ये लो, हालचाल क्या है? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पापा जमीन पर भी कदम रखते हैं या फ्लाइट में ही रिटायर होना चाहते हैं? आप तो उनके बचपन के दोस्त हैं, मुझसे बेहतर तो आप उन्हें जानते हैं। मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो उनके वापस आने तक मैं दादी के साथ यहाँ रहूंगी। अच्छी बात है। एनीवे, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है, ये देख लो, ये तुम्हारे एडमिशन के पेपर्स हैं। ओके। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा, तब तक कॉलेज का राउंड लगा लो और कैंटीन में बैठो। शिल्पा क्लास में ही होगी, उससे कहूंगा तुमसे मिलने। All right. I love you so much, Divya. तुम ही मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारी इसी स्माइल पे फिदा हूँ। बस तुम एक बार मुझे आई लव यू टू कह दो, मैं कल पार्क में तुम्हारा वेट करूंगा। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्लीज मुझे बताओ, कल सच में पाक जाओगी? भला ऐसे प्रपोजल को कौन मना कर सकता है। अच्छा ये कार्ड देखो जरा। ये कार्ड की कीमत है 70 रुपीज और वो गुलाब करीबन 20 रुपए का होगा और वो कोल्ड ड्रिंक 15 रुपए की होगी। वो गाना जो उसने गाया वो भी एक पुरानी फिल्म का था, जो उसने नहीं किसी और ने लिखा। सो टोटल 105 रुपए में तुम सेट हो गए। तो प्रपोज करने के लिए कोई क्या करेगा,
हजारों लाखों खर्च करेगा। देख मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, एक लड़की का प्रपोजल कुछ हटके होना चाहिए यार। तुमको ऐसा लगना चाहिए जैसे यही तो है मेरी लाइफ का हीरो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं तो होगा भी नहीं। तुझे पता है कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। क्या देखा? मैं किसी की खोज में हिमालय पर चढ़ रहा था। किसकी? मैं रेंग रहा था, उछल रहा था, चारों तरफ बर्फ थी, हड्डियां कड़कड़ा रही थी, फिर भी डर नहीं रहा था। मैंने सामने वाले पहाड़ पर ये रस्सी फेंकी और फिर वहां पर धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ रहा था, अचानक वो टूट गई। क्या टूटी? अबे रस्सी। रस्सी टूटी। मैं पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ रहा था और फिर नदी में गिर गया। तभी मैंने एक आवाज सुनी, लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ। उस उफनते पानी में अचानक एक अंगूठी मेरे हाथ लगी और जैसे मैंने उसे पहना, फिर क्या हुआ? मैं नदी में नहीं, घर पर था। तो डरने की क्या बात है, ये तो एक सपना था ना। मैंने भी पहले यही सोचा लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो अंगूठी मेरे हाथ में थी। उई माँ। और फिर उसी पल से मुझे हर इंसान का भूत, भविष्य और वर्तमान साफ नजर आता है। वाह, ये कमाल हो गया। जादू या अंगूठी हमारे पास है, आश्चर्य हैरत अंगेज। इस अंगूठी का ऑर्डर देने के लिए 2999। तुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या? लेकिन तुझ पे झूठा। चल चल मेरा भविष्य बता। ए, तेरे बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ, तुझे मैं क्या बताऊंगा? किसी अनजान के बारे में बताएगा? ये देख पिक्चर की हीरोइन जैसी लड़की है, बोल खोल इसकी। हेलो, तुम जैसे ड्रामेबाज ना मैंने बहुत देखे हैं, ये सारी ट्रिक्स मेरे साथ काम नहीं करने वाली। हेलो, इस ड्रामे के सभी ट्रिक्स वास्तविक हैं। ओके, तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ ना, पर मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तुम्हारे नाम में तीन अक्षर हैं और नाम का पहला अक्षर अ है। तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो और तुम्हें पपीज बहुत पसंद है, तुमने एक पाला भी है। तुम्हारा फेवरेट नंबर 7 है, तुम्हारा फेवरेट हीरो सलमान है और फेवरेट कलर ब्लैक है। तुम इस शहर में नई नई आई हो, तुम्हारे शरीर पर 3 बर्थ मार्क्स हैं, एक कमर के लेफ्ट साइड पर है, दूसरा। Stop it! Hey, यानिगा, क्या हुआ? यार शिल्पा, ये कोई इंसान नहीं है, He's a monster. मेरे बारे में सारी बातें बता रहा है। लगता है इसने तुम्हें भी बकरा बनाया है। बकरे का क्या मतलब? ये विक्रांत है, हमारे कॉलेज का टॉपर और मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये सारा दिन मस्ती करता रहता है। तूने इसके साथ क्या किया? एक्चुअली मैडम ने जो एंट्री मारी वो एक्शन सीक्वेंस थी, तो हमारी एंट्री भी धमाकेदार होनी चाहिए ना। इसलिए मैंने ये प्लान किया, थोड़ा दिमाग चलाया, इसकी कार की नंबर प्लेट से इसका पूरा नाम निकाला, उसके बाद इन्हें फेसबुक पर ढूंढ निकाला और वहाँ पर तो इन्होंने सारी डिटेल्स खुद ही पोस्ट कर रखी है। गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम सच में बहुत फनी हो। डैडी ने मुझे कहा था कि तुम यहीं मिलो। भाई, वो रही लड़की। सीरियसली शिल्पा, तुम अब भी नहीं बदली। और बताओ क्या चल रहा है? क्या रे, सुना है तू स्टंट दिखाती है? हाँ, मुझे भी तो दिखा। नीचे बैठ। कौन है रे तू? जानती है किससे पंगा ले रही है? क्या रे, तेरा माल है क्या ये? वो नई स्टूडेंट है, यहाँ की नहीं है, छोड़ उसे। जबान चलाता है तेरी माँ की। झगड़ा तेरे मेरे बीच है, माँ बाप को बीच में क्यों घसीटा? ये कॉलेज है, कोई देसी दारू का अड्डा नहीं। सर, लड़ाई इसने शुरू की थी। नहीं सर, इसने उस लड़की से बदतमीजी। शट अप, आवाज नहीं। लड़ाई के वक्त तुम यही थी ना? गलती किसकी थी, किसने लड़ाई शुरू किया? चुप मत रहो, जवाब दो। अरे
सर, तुम्हें कॉलेज से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन गेट आउट फ्रॉम हियर। नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, एक अच्छा लड़का है। उस गुंडे की गलती पर तुमने उसका नाम क्यों ले लिया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलो तो सही। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दिनेश एक दरिंदा है, हैवान है। एक रात पार्टी में मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वीडियो की सीडी बनाएगा और उसे बेचेगा। वो मुझे बदनाम करना चाहता है। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें वो ब्लैकमेल कर रहा है। अंकल को बताओ, तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? उसका भाई लोकल एमएलए है, बड़ा गुंडा है। छोटे हवलदार से लेकर बड़े नेता तक सब उससे डरते हैं। तुम घबराओ मत, मैं अंकल से बात करती हूँ, ठीक है? अब आप क्या करेंगे अंकल? मेरी तो हिम्मत ही जवाब देती जा रही है बेटी। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल की बेटी ने ही ऐसा गलत काम किया है। अगर दिनेश हैवान है तो उसका भाई उससे बड़ा शैतान है। इस बारे में किसी से मदद लूंगा तो मैं ही बदनाम हो जाऊंगा। तुमने मेरे बारे में तो सोचा होता, अगर जरा भी सोचा होता तो हम इस प्रॉब्लम में नहीं फंसते। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है सर। उसने आपकी बेटी की प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है सर। अभी मेरे आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया? तू यहाँ पे नया मैनेजर आयला है, लेकिन जानी भाई का पुराना खिलाड़ी है। सारे टिकट ऑनलाइन बिक गए। हाँ बस, इस फिल्म का स्टार अपना उस्ताद है अपुन उसका चेला। टिकट नहीं दिया तो तेरा विकेट गिरा डालेगा क्या? चल टिकट निकाल, चल। हेलो, क्या हुआ, कहाँ पर? अभी आता। अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? ए, मुझे जाने दे, ये मामला सुलझ जाना चाहिए आज के आज। अरे तू तो जानता है ना, वो लोग गुंडे हैं, उन्हें भूल जा यार। मैं भूल जा? ये क्या कह रहा है तू? पवन जी तुझे देख रहे हैं, कम से कम उनसे तो डर। क्या हुआ भिड़ू, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो एक फैन हूँ, हम अपने भगवान की फिल्म के लिए यहाँ जलसा कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग रिलीज से पहले फिल्म की पायरेटेड सीडी बनाकर बेच रहे हैं। मैं उन्हें मार कर उनके खून से इस पोस्टर को तिलक करने जा रहा हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? शाबाश मेरे शेर, असली फैन तू ही छे। तू फिकर मत कर, मैं पीके का फैन हूँ, AK-47 से भी डेंजरस। पावर स्टार की फिल्म से पंगा मतलब फैन लोग से पंगा। चल उसको सबक सिखा दे। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता। कोई मुसीबत नहीं, मैं हूँ ना कसम पीके उस्ताद की। ए, कौन हो रहे तुम लोग? ए, जगह का कुना कुना छान मार क्या? चलो जल्दी करो। अबे लुक्के, नई पिक्चर देखने के तरीके होते हैं दो, एक थिएटर में और दूसरा पायरेसी करके। अपुन ने अपनाया पहला रास्ता और तूने अपनाया गलत रास्ता। एक बार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख, तू सीडी छापना छोड़ देगा रिलीज से पहले ही पायरेटेड सीडी मार्केट में, और सारे थिएटर खाली, सिर्फ कोने में पंछी मिलते, वो भी पॉपकॉर्न आइसक्रीम खा के गुटरगू करते रहते हैं क्योंकि वो सीडी देख चुके हैं। सिनेमा अपन की रोजी रोटी है, और अपनी रोजी रोटी पे आ जाए ना तो माँ कसम अपन नहीं छोड़ेगा। समझ गया क्या? सही बोले जॉनी भाई, ये सीडी नहीं अपन के गाल पे तमाचा छपा है। थिएटर वाला गलत नहीं है,
जो अपन लोग को टिकट नहीं दिया। चोर तो इधर है। ये तोड़ डालो सब। ठीक है सर। चोरी भाई, चोरी भाई, चोरी भाई, चोरी भाई। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की जबकि तुमने हमारी इज्जत बचाई। काश कि मैंने अपने बेटे की परवरिश ऐसी ही की होती। मुझे माफ कर दो विक्रांत। सर, स्टूडेंट वो नहीं होता जो कॉलेज खत्म करके डिग्री लेकर घर चला जाए, बल्कि वो होता है जो अपने साथियों का भरोसा जीते। वी आर ऑल अ फैमिली सर। हेलो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि तुम्हारे सस्पेंड होने पर सॉरी बोलूं या मेरी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती काफी है। मार डाला। दोस्ती वोस्ती एक तरफ, मुझे तो पार्टी चाहिए। ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगी। बिल फाड़ कर मुझे मत देना। किसी पर बिल नहीं फटेगा क्योंकि वो अनघा के कजन की एंगेजमेंट पार्टी है। प्लीज तुम दोनों जरूर आना। ओके। पे चिपका दे। तू उधर, तू उधर, तू उधर निकल रहे। ए पोस्टर ठीक से चिपका। हाँ भाई, जा। चलो। ए, ए, ए। मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रांत। प्लीज मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ए, डरने की कोई बात नहीं है। मॉम डैड एकदम कूल हैं। तुम मिलोगे तो तुम्हें पसंद आ जाएंगे। मैं हूं ना। चलो। ये तेरी क्लास में है, तू इसे बहुत चाहता है, ये भी तुझे बहुत चाहती है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, है ना? अरे भाई, उन्हें भी तो कुछ बोलने दो। हाँ मॉम, मुझे यही कहना था। तो मेरी बात भी ध्यान से सुन। मैंने तुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए होने वाली बहू से मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं। मॉम, ये तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी है। मॉम ठीक है, मैं इससे तीन पहेलियां पूछूंगी, अगर ये सबके सही जवाब देगी तो ही ये मेरी बहू होगी। इतनी सीरियस बात है और तुम पहेलियां पूछोगी? मैं तैयार हूँ आंटी। पहली पहेली, मुझे कॉफी चाहिए, शेखर को चाय चाहिए, तुम पहले क्या करोगी? पहले गैस ऑन करूंगी। दूसरी पहेली, तुम कार से एक घने जंगल में जा रही हो, बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारी कार में सिर्फ एक ही सीट बची है। अब मैं और शेखर और विक्रांत तुमसे लिफ्ट लेना चाहते हैं, तो उस कार में तुम किसे लिफ्ट दोगी? कार में आप दोनों आ जाना, मैं और विक्रांत पैदल चल के आ जाएंगे। तीसरी पहेली, माँ भूख देखती है और बीवी पर्स देखती है, फिर भी सास और बहू एक साथ खुशी से क्या देखती हैं?
टाइम सास बहू के सीरियल्स। सुपर। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटी, बीवियां स्मार्ट ना हो तो पति कंट्रोल में ही नहीं आते। मेरे साथ चलो। बेटा तेरा सिलेक्शन तो बहुत खूब है, लड़की बहुत ही सुंदर है। कैसे गिरा? इसे वहां रखने के लिए मना किया था ना, देखो बच्ची को चोट लग जाती तो। मॉम मैं अनघा को घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। एमएलए की कंडीशन क्या है? वेरी सीरियस सर, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। इस जहर का असर बहुत खतरनाक है और इस जहर का नाम है एंथ्रेक्स। शहर में हाई अलर्ट जारी कर दो। एमएलए की मौत के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे आपको क्या कहना है सर? देखिए ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस केस के हर पहलू पर छानबीन हो रही है। गुनहगार जो कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाई भाई क्या हुआ? किसी की जान लेनी है। पर क्यों? मारना है बस। बैठ के बात कर। उसने कॉलेज में मुझे मारा, उसे मारना है। अरे टिंकू क्यों जिया धड़क धड़क धड़का रहा है? छोटी सी बात पर परेशान होता है। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, उस लड़के की सारी डिटेल्स मुझे दे दे, मेरे आदमी जाकर उसका जूस निकाल देंगे। अब तू मुंबई जा, ये डॉक्यूमेंट्स ले जा, इस फाइल में रखकर इन्हें संभाल कर ले जा, बाकी मैं देख लूंगा। वापस आने तक वो लड़का मर जाना चाहिए। बाप रे, मुंबई में कोई कांड न कर दे। अरे दादी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़िए ना, टेंशन मत लीजिए, भगवान भागे नहीं जा रहे। हर कोई जानता है भगवान भागे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मंदिरों में भीड़ कम होती है और पावर क्लबों में ज्यादा होती है। चलो जल्दी वरना भगवान क्लब चले जाएंगे। पंडित जी अनघा नाम से पूजा दीजिए। ओम यहाँ क्या कर रही है बेटी? बीच में पूजा नहीं छोड़ते, चल। अपने बेटे का नाम लीजिए। दादी मैं अभी आती हूँ, यहीं रुकिएगा, ठीक है? कहाँ जा रही है? पंडित जी। हाँ बेटी। आपने अभी जो पूजा करवाई वो कौन सी पूजा थी? ये पूजा नहीं पिंडदान था बेटी। ओह अपने बुजुर्गों के लेकर आया होगा। नहीं बेटी, वो अपने इकलौते बेटे विक्रांत का पिंडदान करने यहाँ आए थे। क्या क्या नाम बताया? विक्रांत। विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत।
क्या बात है? Anything wrong? मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो तुम सच सच बताओगे? हाँ पूछो। क्या अंकल आंटी तुम्हारे सगे माँ बाप है विक्रांत? नहीं अनघा। मतलब? कुंभ के मेले में वो दोनों खो गए थे। मैंने उन दोनों को मेले में रोते हुए देखा तो उठाकर अपने घर लेकर आया। विक्रांत, विक्रांत स्टॉप इट, विक्रांत प्लीज, विक्रांत, विक्रांत प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। मैं तुमसे सीरियस सवाल पूछ रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। मजाक मैं नहीं, तुम कर रही हो। ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है? करीब एक घंटे पहले मैंने अंकल और आंटी को बालाजी मंदिर में देखा। उन्होंने उन्होंने तुम्हारा पेंट दान किया। Hey, are you mad? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा खराब नहीं है, तुम्हारा खराब है। उनके प्यार में तुम अंधे हो गए हो। मुझे तो तभी शक हो गया था जब वो गमला गिरा था। तुम्हारी माँ इंसान नहीं है, वो जादूगरनी है। दोबारा अपनी जुबान से ऐसी बात मत कहना। वो मेरे लिए देवता है, मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं। और मैं? अनघा प्लीज, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर वो मंदिर जाएंगे तो मुझे बताएंगे ना? और वो मेरा पिंडदान क्यों करेंगे? सुनने में ही अजीब लगता है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ऐसा मत सोचो। थैंक यू, मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी। एक बात याद रखना, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं झूठी नहीं हूं और ये बात भगवान भी जानता है। क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गया। तू तो अपने दोस्त के यहाँ जाने वाला था ना? हाँ, पर मैं घर आया था। आप लोग घर पर ही नहीं थे, कहीं गए थे क्या? वो तेरे डैडी के दोस्त शर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया था। ओह। हम उन्हें देखने हॉस्पिटल गए थे। ऐसा एक्सीडेंट देखकर तो मार्केट जाने में भी डर लगता है। अच्छा, क्या हुआ था? शर्मा जी की टांग टूट गई थी तो उन्हें प्लास्टर चढ़ाया है। एक महीने तक वो चल नहीं सकते। ये सब छोड़, अपने डैडी को बुला ले, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। सॉरी यार, मैं आज नहीं आ सकता। अरे बताया तो था कि मुझे अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताना है, तो कल मिलते हैं ना? ओके बेटा, तुम कब आए? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज सुबह आप कहाँ गए थे? वो मेरे दोस्त शर्मा जी है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं और मम्मी हॉस्पिटल गए थे। ज्यादा नहीं, बस हाथ में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है, वो ठीक हो जाएंगे। अरे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। आप जाइए, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाना। ओके दे दिए, अब मैं वापस आ रहा हूँ। मेरा काम हुआ? मुझे याद है टिंकू। ठीक है, रोज 3 बादाम खाता हूँ। भूलना मत। ए, ए, रुक रुक। हाँ,
लापता है। 10 लाख का इनाम भी है। समझ गया, ये 10 लाख तो मेरे। हमें कुछ नहीं खरीदना है सर, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? ये फोटो मेरे मॉम डैड की है। इस फोटो के पीछे जो सीरियल नंबर लिखा है उससे फोटो की डेट और देखो बाबा, स्टूडियो बंद किए हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। उस समय की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अब जाओ। सर गाड़ी रोक रहे हैं। तूने मुझे फोन किया था? हाँ। चल अंदर आ जा। ये लो सर, पूछो। बताओ क्या पूछना चाहते हो? इस फोटो की डिटेल्स बता दीजिए। लेकिन कम से कम उनकी शादी का साल तो बता दो। मैं पैदा हुआ था 1995 में, तो 94 या 93 की फोटो होगी। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम बैठो। ओके। चल बता कहाँ मिलेगा वो। पर तुम कौन हो और तुम्हें उससे ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए तुम 10 लाख दोगे? खोखा, एक खोखा है ये। दिमाग कथाई मत कर, ये बताओ किधर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम विक्रांत है। वो हमें मिल गया। वो मिल गया है। मार डालो उसे। सच सच बोल, कौन है तू? इनके साथ तेरा क्या रिश्ता है? ये दोनों मेरे मॉम डैड हैं सर। आप चाहे तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए। कहां से बनवाया है नकली लाइसेंस? नकली लाइसेंस? और नहीं तो क्या, इन्हें तुम अपने माँ बाप कह रहे हो? हाँ? तुमने कहा तुम 1995 में पैदा हुए थे। अगर तुम सच में 95 में पैदा हुए थे तो मैंने उनकी शादी की फोटो 1997 में कैसे खींची? तो क्या तुम अपने माँ बाप की शादी के 2 साल पहले पैदा हो गए थे? ये तुम्हारे माँ बाप है ही नहीं। शराफत से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकलो। दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने वाले तेरे जैसे नाटकबाज लौंडे मैंने बहुत देखे हैं। चल निकल यहां से। किसने है देखा क्या आसमां का टूट जाना, फूल मन का धीरे धीरे जल के मुरझाना, खंजर सी वो यादें चुभती हर लम्हा, उन जख्मों का हर पल वो खिल जाना, माँ से मिला जो प्यार क्या वो झूठे था, पापा का वो प्यार सारा क्या झूठे था, तन्हाइयों का होता है ये रूप क्या, झूठ सच्चाई है क्या,
हंसी खुशी जो भी थी हुई है दफन सी, इश्क जो था छूट गया रही बस तश्नगी, जो भी था भरोसा टूट गया अब कुछ नहीं, गम और बस आंसू है। बड़ी देर लगा दी इसने आने में। आंटी, विक्रांत घर पे है? विक्रांत तो विक्रांत घर पर नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। ए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बोल, विक्रांत कहाँ है? बोल। बात सुन, मरने से पहले मुझे तुझे एक एक सच बताना है। वो आप बाद में बताइए, अभी हॉस्पिटल चलिए। बता ले तो बेटा, ज्यादा समय नहीं मेरे पास। तू तू हमारा सगा बेटा नहीं है। ये झूठ है डैड। तेरी जिंदगी खतरे में है बेटा, इस जगह से तुरंत भाग जाओ। प्लीज बेटा मेरी बात मानो, तुम्हें बाद में सब पता चलेगा। जल्दी से भाग जाओ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा डैड। Love you, beta.
क्या? Impossible. अभी कुछ घंटे पहले मधुरवाड़ा के घर में एक मास मर्डर की तहकीकात करने पुलिस गई थी। वहां उन्हें एक बॉडी मिली जिस पर जे का सिंबल बना हुआ था। ये अंसारी की बॉडी थी, उन्होंने कंफर्म करके मुझे बताया है। अंसारी की डेड बॉडी वहां मिली? अंसारी जहांगीर का दाहिना हाथ था और उस पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। अच्छा ये बताइए, उस एरिया का इंस्पेक्टर कौन है? एक लोकेशन, 4 गोली के घाव, 6 डेड बॉडी, 8 घाव चाकू के, इन सारी वारदात का इकलौता सबूत ये सिर कबाल। ये तो आप ही का बाल है सर। मेरा है? जी साहब। तेरे को कैसे मालूम? आपका बाल दिन ब दिन सफेद हो रहा है, कलर काहे नहीं करते? ऐसा ही क्या? जी सर। सर, इस केस को हैंडल करने के लिए हैदराबाद से NIA अफसर आए हैं, आपसे ये केस वो संभालेंगे। मेरे रहते स्पेशल पुलिस क्या करेगी? अच्छा कितनी देर में सर? ये केस तुम देख रहे हो ना? मुझसे ज्यादा बेस्ट और कोई नहीं है सर। इस केस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कोई सुराग मिला तुम्हें? सर पत्थर को भी निचोड़कर पानी निकाल लेता हूँ मैं। ये केस तो मेरे लिए हलवा है, आपसी लड़ाई का मामला है। 15 लोगों ने आकर पूरी फैमिली को मार डाला, 2-3 महीनों में पकड़े जाएंगे। यहाँ 15 लोग नहीं आए थे, बस 4 या 5 लोग थे। इस फैमिली से एक मेंबर गायब है, पहले उसे खोजो। ये खोली किसी सिनेमा के सेट जैसा लगता है सर, पूरा का पूरा मेडल से भरा हुआ है। कराटे में ब्लैक बेल्ट, बॉक्सिंग का डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, घर के हर हिस्से में छुपाए गए 1-2 हथियार, जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि हमला होगा। इन घर वालों का रहन सहन इस घर की बनावट से मेल नहीं खाता, कुछ तो गड़बड़ है। टकी गाय, ये मामूली आदमी नहीं है, कितना खून खराबा। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और रिपोर्ट्स मेरे ऑफिस भिजवाओ। ओ सर। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टिंकू, मैं ही जिम्मेदार हूँ तेरी इस मौत के लिए। उसी दिन उसे मार दिया होता तो आज तू जिंदा होता, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उसे, जान से मार डालूंगा उसे। कौन है ये? इधर का लोकल MLA। तुम लोग अब तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, उसे पकड़ कर लाओ वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। इनकू को नीचे रख, रख दो। हमें हमारा काम करने दीजिए, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ सर। ए तू जो भी है लगता है मेरे बारे में नहीं जानता, 3 लाख सपोर्टर्स हैं मेरे, पूरा शहर छानकर जिसने मेरे टिंकू को मारा है उसे तेरी आंखों के सामने मारूंगा मैं। आपके पीछे 3 लाख होंगे पर मैं पूरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। ले जाओ ये बॉडी। ठीक है ले जाओ, लेकिन पुलिस उसे ढूंढे उससे पहले मेरे सामने उसे लेकर आओ। पता नहीं तुम कौन हो, मेरी जिंदगी में क्यों आए हो, आखिर मेरे माँ बाप को इतनी बेरहमी से मारने की क्या वजह थी, और आज तक तुमने मुझे अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाया? कौन हो तुम और मैं कौन हूं? मेरा असली रूप यह है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूं, 24 घंटे तुम पर नजर रखने वाला तुम्हारा नौकर हूं। जो मर गए वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं थे, उनसे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं था। जिस मालती देवी और चंद्रशेखर को तुम अपना माँ बाप समझते हो, पहले वो खतरनाक नक्सल लीडर थे। तुम चंद्रशेखर के बेटे विक्रांत नहीं हो, तुम्हारे पिता विक्रम सिन्हा प्रजापति हैं। विक्रम सिन्हा प्रजापति। नमस्कार। मुंबई बम ब्लास्ट के मुख्य अपराधी अयूब को उसके 2 साथियों के साथ मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसा कि आप सब जानते हैं इस बम ब्लास्ट में 2,050 लोगों की मौत हुई थी। अपराधियों को पुणे के यरवाड़ा जेल में रखा गया है। अयूब मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन जहांगीर का भाई है और ये माना जाता है कि उसके अपराध जगत का वारिस भी। हमने उसे पब्लिक के बीच में जाने से मना किया था मगर वो नहीं माना, अब गया ना जेल। जहांगीर भाई के इंडिया आने से पहले उसे बाहर निकालना होगा,
वरना अपनी खैर नहीं। वो अपनी ससुराल में नहीं है, सेंट्रल जेल में है। पर कुछ तो करना होगा। जब तक वो जेल से भागेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरफ। मेले में बड़ा वाला झूला देखा है? कितना ऊंचा होता है, बचपन में बैठे होंगे। ये जेल भी वैसा ही है, अगर एक बार आ गए तो हमारे कहने पर ही जाओगे। यहां से भागना मत वरना मारे जाओगे। ध्यान रहे। रुक जाओ, सरेंडर कर दो वरना सारा बारूद सीने में उतार दूंगा। ए, पास मत आना, बंदूक नीचे फेंक वरना गर्दन काटूंगा इसकी। मेरी परवाह मत कीजिए सर, इसका जेल से भागना बहुत खतरनाक है, आप शूट कीजिए। शेखर तुम ठीक हो ना? जी। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। शेखर आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच सर। होम मिनिस्टर। आप मामूली आदमी नहीं है सर, आपने उस मुजरिम को तो आराम से मार दिया, लेकिन याद रहे इससे आपकी दुश्मनी उस जहांगीर से हो गई है। आप पुलिस वाले इसलिए बच जाएंगे, अगर उन्हें वो नेक्सलाइट मिल गया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। उसका इलाज है मेरे पास, उसे यहाँ से बहुत दूर भेज रहा हूँ मैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। आओ, 100 साल जियोगे, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। सर ये मेरे दोस्त चक्रपाणी है, आईजी। नमस्ते। ओ तो तुम ही शेखर हो? कॉलेज के दिनों से ही ये चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने हिंसा की जगह अहिंसा को चुना और एक ग्रुप ज्वाइन किया। ये मालती देवी है, मार्शल आर्ट्स ट्रेनर, शार्प शूटर, 30 टोलियों को ट्रेन किया इन्होंने। जब इनका आंदोलन हिंसक हो गया तो उसे छोड़कर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ताज्जुब मत कीजिए सर, हमारे सर ऐसे ही हैं, हर एक का बायोडेटा हमारे सर के दिमाग में फिट रहता है। विक्रम साहब की मेहरबानी की वजह से ही आज कांस्टेबल हैं। हाँ मैडम, जब मैं एक लड़का था तब एक खूनी की तरह जेल आया था, इन्होंने मुझे जिंदगी जीने के लिए सही रास्ता दिखाया और एक जिम्मेदार आदमी बनाया। ये मेरे मालिक हैं और मैं इनका सेवक। ए, बहुत बोल रहा है। हमने सोचा था अब तो जिंदगी जेल में ही कटेगी, आपने हमें रिहा करके इसके साथ एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया है, हम आपका ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छी जिंदगी दीजिए, इतना ही काफी है। कल मेरे बच्चे का बर्थडे है, तुम लोग बहुत दूर जा रहे हो, पता नहीं हम कब मिल पाएंगे। जाने से पहले मेरे बच्चे की सालगिरह पर आइएगा। रहने दीजिए सर, ये खुशी के पल आप अपने परिवार के साथ गुजारिए। शेखर यू आर ऑल्सो माई फैमिली, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम्हें आना है बस।
सरप्राइज, 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए हम बाहर क्या चले गए? तूने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। हमारा नाम सुनकर हर तरफ हड़कंप मच जाता है, पूरी दुनिया डर से कांपती है, लाखों लोग हमें नींद में भी सलाम करते हैं। इसके बाद भी हम अपने इकलौते भाई को मौत से नहीं बचा पाए। उन्होंने तुझे कुत्ते की तरह मौत के घाट उतार दिया। हमें खबर किए बिना इसे जेल से बाहर निकालने के प्लान को किसने अंजाम दिया था? कौन है वो? कौन है वो? सरप्राइज! हमारे भाई के हत्यारे का कटा हुआ सर हमें कल सुबह तक यहाँ चाहिए। कौन लेकर आएगा? मैं लेकर आऊंगा। उसका सर मैं ला कर दूंगा अब्बा जान। चाचू के कातिल को तो मैं ही मारूंगा। शाबाश बेटा, शेर का बेटा शेर ही होता है। जाओ उसके घर की खुशियों को मातम में बदल दो। जाओ बेटा, फक्र से करो, जाओ। मर गया साला। ये क्या बोल गया? ए रुक जा, क्या बोला तूने? क्या बोल रहा था? बोल। मिस्टर विक्रम सिन्हा, उनकी बॉडी काफी जल चुकी है, हालत बहुत खराब है। क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम हमारे बच्चे को लड़ाई झगड़ों से दूर रखोगे? वादा करो। तुम्हारी इस कुर्बानी की कसम इस पर आज भी नहीं आने दूंगा। सीता, विक्रम सिन्हा, आपके लिए फोन। सरप्राइज, सरप्राइज। देख क्या कीमत चुकाई तूने। तेरी छोटी सी गोली का सिला, तुझे ये मिला। सरप्राइज। बेचारा बीवी से हाथ धो बैठा और अब तेरे बेटे की बारी है। तेरा बेटा मेरे कब्जे में, उसे फांसी पर लटकाऊंगा और तुझे जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा। जिंदगी भर तुझे वहां ना सड़ाया तो मेरा नाम विक्रम सिन्हा नहीं जांगीर। अरे मैं हूँ घना जंगल और तू एक घास का तिनका। जंगल घना क्यों ना हो, एक छोटी माचिस की तिली उसे भस्म कर देती है। अगर तुझ में हिम्मत है तो हमारे बेटे को छू के दिखा।
तेरे विनाश की घड़ी शुरू होती है, गिनती शुरू कर दे। टिक टक टिक। अरे जा। सर, ये आपको क्या हो गया? आपका एक छोटा सा बच्चा भी है, आप इसके बारे में तो सोचिए। शेखर, तुम्हारा बेटा मरा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा है। आज के बाद इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। सुभाष तुम्हारी मदद करेगा, अब तुम लोग जाओ। अब जाओ ना सुभाष। बोलिए सर। इनका ख्याल रख। जी सर। केस की सारी बहस सुनने के बाद और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट का फैसला यह है कि इकबाल को बाइज्जत बरी किया जाए। साथ ही अदालत पुलिस को यह सलाह देती है कि मासूम इकबाल पर केस खत्म करके असली मुजरिम को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। सॉरी सर। हमने हर जगह खोजा और हमें बस ये फोटो मिली है, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला। तो पता करो, खोजते रहो। शहर के हर ईंट में खोजो, मुल्क के हर कोने में खोजो। हमें वो चाहिए। हमारे बेटे और भाई की रूह को तभी सुकून मिलेगा जब उस बच्चे का खून बहेगा। खोजो उसे। आज 18 साल के बाद भी उसकी आग नहीं बुझी, वो तुम्हें आज भी ढूंढ रहा है। तुम्हारे बचपन के फोटो पर उसने तुम्हारे जवानी का चेहरा बनाया है और पूरे देश में तुम्हें ढूंढ रहा है। जिससे भी तुम्हारी शक्ल मिलती है उसे मार डाला, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। ये पासपोर्ट रख लो, इसके अंदर 4 देशों के वीजा लगे हुए हैं और वो ATM कार्ड्स। जितना चाहे खर्च करो, ये सब तुम्हारा पैसा है। बेटा, ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम एकदम सेफ हो। मेरी बात मान लो। क्यों? मैं भाग जाऊं? और अगर उसने ढूंढ लिया तो फिर से भाग जाऊं? बार बार, आखिर कब तक? इन्हीं हाथों में मेरे माँ बाप ने दम तोड़ा है। एक ही पल में उसने मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी। मेरे डैड ने मुझे कायर नहीं बनाया है, उन्होंने मुझे सिपाही बनाया है, लड़ना सिखाया है। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे भागूंगा नहीं। अब भागने की बारी उसकी है। जब तक जिंदा रहेगा पछताएगा कि उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली। मैं उसे दिखाऊंगा एक बच्चा एटम बॉम्ब कैसे बन सकता है। मैं नहीं जानता विक्रम सिन्हा कौन थे, ना ही जानना चाहता हूं। मैं बस विक्रांत हूं और मैं चंद्रशेखर पशुपति का बेटा हूं। विक्रांत, उससे बदला लेने के लिए सपने में भी मत सोच। तू भाग जा बेटा। आपने मुझे बचपन से देखा है, आपने सिर्फ एक वादे के लिए इतने साल बिता दिए, पूरी जिंदगी मेरी हिफाजत की, फिर भी आप मुझे समझ नहीं पाए। आप चाहते हैं मैं डर के भाग जाऊं? इतने सालों तक वो चूहे की तरह बिल में छुपा बैठा था, इसीलिए कोई उसे खोज नहीं पाया। लेकिन अब उसे मेरे लिए बाहर आना पड़ेगा और वो आएगा। मैं उसके लिए जाल बिछाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई बेवकूफी कर रहा हूं, तो ये लीजिए, ये कार्ड्स उठाइए और शहर छोड़कर जाइए, वरना मेरा साथ दीजिए। क्या मैं आपको चाचा बुलाऊं?
बेटा मैं तुझे जहांगीर के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सावधान रहना होगा। वो इंसान नहीं है, हैवान है वो। छोड़ो मुझे, ये गलत है। छोड़ो मुझे। सरप्राइज, तुमने हमारा काम आधा अधूरा क्यों किया? तुमने जो काम करने को कहा मैंने कर दिया है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। लेकिन तुमने वो नहीं किया जो हम चाहते थे। जब उस पाउडर का सैंपल हमने हैदराबाद में इस्तेमाल किया, तब उसने 100 लोगों को भी नहीं मारा। हमें चाहिए ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जहरीला और ज्यादा ताकतवर। एक हिंदुस्तानी होते हुए आतंकवादियों के लिए काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हे, प्लीज सरप्राइज हिम, सरप्राइज हिम। हे, और किस किस को सरप्राइज चाहिए? मत मारो, हमें मत मारो। जैसा जहर कहोगे हम वैसा ही जहर बना के दे देंगे तुम्हें। वो क्या होगा? जैविक हथियारों में वो सबसे खतरनाक होगा, बुटोलिनम टॉक्सिन। वाह, बुटोलिनम टॉक्सिन, हमें वही चाहिए। जहांगीर खान, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से दूसरे नंबर पर है। 1995 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में ये मुख्य आरोपी था। 1997 में जेल से भागते समय उसका भाई और उसके बाद उसका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया था, और तभी से वो कानून की निगाह से छिप छिप कर अपने अपराध के साम्राज्य को फैला रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के इंटेलिजेंस ने हमें यह बताया है कि इसने पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ग्रुप से हाथ मिला लिया है। इतने सालों से वो बहुत से देशों में छुपता रहा, लेकिन हाल ही में उसे वाइजैग में देखा गया है। वाइजैग में जो अंसारी मारा गया, क्या उसका जहांगीर से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। इसके अलावा एक और अजीब कनेक्शन है। जहांगीर के भाई को मारने वाले विक्रम सिन्हा, जो एक दुर्घटना में जहांगीर के बेटे के साथ मारे गए थे, उनका बेटा विक्रांत, और हाल ही में वाइजैग में मारे गए चंद्रशेखर और मालती देवी का बेटा विक्रांत, दोनों एक ही हैं। जहांगीर ने उस लड़के विक्रांत को मारने के इरादे से ही वाइजैग में हमला करवाया। सर, विक्रांत की बॉडी तो मिली नहीं, क्या उसका किडनैप हो गया? नहीं, वो उतना सीधा है नहीं जितना हम सोचते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जानकार है ये। हम नहीं जानते कि वो इस हमले से बच कैसे गया, पर हमारे पास सबूत है कि किसी ने उसकी मदद की है। वाइजैग में हुए हमले की रात उसके साथ एक आदमी मौजूद था, जिसकी सीसीटीवी फोटो हैदराबाद वाले टोल नाके पर मिली है। इसी लड़के को खोजने के लिए जहांगीर और उसके आदमी जमीन आसमान एक कर रहे हैं। ये हमारे लिए सही समय है। जहांगीर को उसके बिल से निकालने के साथ साथ इस लड़के को बचाना भी बहुत जरूरी है। अब हमारे सामने दो सवाल हैं। उस लड़के की मदद किसने की और अब वो कहां है? उसे खोजो, इलाके को छान मारो। मिस्टर विठल। यस सर। विक्रम सिन्हा की जिंदगी की सारी डिटेल मुझे चाहिए। ओके सर। आप सब तैयार हैं? यस सर। सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान में आपके होने वाले ऑपरेशंस का हमारा मुल्क बेताबी से इंतजार करता है। लाले की जान, तुम अभी तक ऑपरेशन शुरू का ही क्यों नहीं किया? ये ऐसा वैसा ऑपरेशन नहीं है, इसमें कमाल का हथियार यूज होगा। जब हम उस हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो 10, 20 या 100 नहीं बल्कि लाखों लोग एक साथ मारे जाएंगे। सरप्राइजिंग। डॉक्टर खान, इधर आइए। ये जैविक हथियार है, एक रासायनिक हथियार। गन और बम से लड़ने की बजाय बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, जिससे एक साथ लाखों लोग खत्म हो सकते हैं। और इसका नाम है बॉटुलिनम टॉक्सिन। इसके सिर्फ 1 ग्राम से 10 से 15 लाख लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। यह ऑपरेशन हमें इतना सबाब देगा कि जन्नत के सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। शाबाश जहांगीर भाई, तुम्हारी वजह से हम खुदा के सामने सर फकर से उठा सकते हैं। हम तुमसे 10 दिन में हिंदुस्तान में आके मिलेगा भाई। खुदा हाफिज।
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। I really missed you। तूने तो हमारे फोन फेंकवा दिए, अब क्या करें? अब से हम ये यूज करेंगे, हो सकता है हमारे फोन टैप्ड हो, बहुत संभल कर रहना होगा। अब तुम क्या करने वाले हो? शिकार, मैं शिकार करने वाला हूँ। मैं उस वहशी दरिंदे को उसकी मान से खींचकर बाहर लाना चाहता हूँ, तभी मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी बात मानो अनघा, ये जगह सेफ नहीं है, अपने माँ बाप के पास लौट जाओ। तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रही हो? जब तुम मेरे साथ हो विक्रांत, तो मुझे खतरा छू भी नहीं सकता। अब जीना हो या मरना, सब तुम्हारे साथ। तुमसे दूर रहकर एक पल भी नहीं जी पाऊंगी मैं। वाह, हमारा हैदराबाद, क्या खुशबू है इस मिट्टी में। ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। हमने सारी दुनिया छान मारी, पर उसने हमें कहीं और न भेजकर इन दो खास कामों के लिए हैदराबाद की जमीन अता की। अव्वल अपना ऑपरेशन शुरू करना होगा अभी। दूसरा, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। मेरे जंगल में एक बार आने के बाद कोई भी बच नहीं पाया भाई, ये साला पहली बार हुआ है। कोई तो उसके साथ है भाई, कोई तो है। एक मौका और दो भाई। क्या कर लोगे? मार्केट के सारे मवालियों को जमा करके उसे ढूंढ निकालूंगा। वो पिल्ला चाहे किसी भी कोने में छुपा हो, उसे ढूंढ कर आपके कदमों में फेंक दूंगा भाई। तो तुम हमें सरप्राइज करोगे? वेलकम माय डियर साइंटिस्ट। आज से यही आपका घर है। आप लोगों के पास बस 10 दिन का टाइम है, फिर हम आपका हर सैंपल टेस्ट करेंगे और उससे मिनिमम 1000 लोग मरने चाहिए, तभी आप लोग घर जा पाएंगे। जहांगीर, पिछले 15 सालों से वो कहीं नहीं दिखा है, फिर भी हर देश में उसके आदमियों का जाल फैला हुआ है। अपने आदमियों के जरिए उसने हर जगह दहशत फैला रखी है। उनमें से एक है जो हैदराबाद में रहता है, रसूल। जमीन पर कब्जा, गैर कानूनी हथियार, जिस्म फरोशी, यही धंधा है इसका। रसूल से मिलने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े, तब जाके मिला। कौन है तुम लोग? क्यों पकड़ा मेरे को? जहांगीर की डिटेल्स। तुम तो ऐसे पूछता है जैसे कोई गली का कुत्ता हो। तुम लोग कभी जहांगीर को देखा भी है? मैं बोलता है, प्लीज प्लीज मेरे को मत मारो। उसके बारे में जो भी पता है बोलता है। जब भी जहांगीर को काम होता है तभी वो खबर पहुंचाता है। खबर कौन लाता है और वो कहां मिलेगा? भीखू भाई, जहांगीर भाई का खास आदमी। नेक्स्ट मीटिंग कहां है? बोल। शुक्रवार को मोंडा मार्केट आएगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानता। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं यहीं धरना दूंगा। एनआईए वालों की निगाह तुम पर है। अपने भाई के हत्यारे को जब तक मार न दूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ज्यादा लफड़ा किया ना तो एमएलए की पोस्ट ही नहीं तुम भी जाओगे। इस मामले में तुम्हारा पढ़ना ठीक नहीं है। उसे खोजने का काम तुम ना करो, किसी और को लगा दो। अरे क्या कर रहे हो, चुनाव सर पे है, इस समय रिस्क मत लो। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। कौन है वो? Thank you.
अब ये मुर्गी बकरियों को किडनैप करना बंद कर दो, समझे तुम? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये लो बॉस, तुम्हारा अगला शिकार। थोड़ा रुको है। मोंडा मार्केट। इस मैप के हिसाब से मार्केट के टोटल तीन रास्ते हैं। अगर कोई एक इस ऊंची बिल्डिंग से बाकियों के साथ कोऑर्डिनेट करे तो तीनों एक एक रास्ते पर निगरानी रख सकते हैं। हमें बहुत केयरफुली काम करना होगा, किसी भी कीमत पर गलती नहीं होनी चाहिए। इस बिल्डिंग पर बबलू नजर रखेगा, एग्जिट ए पर मैं, एग्जिट बी पर अनघा और एग्जिट सी पर चाचू। वो किसी भी रास्ते से अंदर घुसे, उसके आने के बाद हमारे पास 10 मिनट होंगे। उन 10 मिनटों में वो आंखों से गायब नहीं होना चाहिए। हम सब फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर होंगे, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। सुन बबलू, तुझे कोई दिख रहा है क्या? अभी तक नहीं दिखा मुझे। बी अलर्ट। अनघा, चाचा, आप दोनों रेडी है ना? आई एम रेडी। इस एंट्रेंस को मैं संभाल लूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो गली से आएगा। एक बात का ख्याल रहे, वो यहीं पर आएगा, तो मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। गाइस, एंटर द ड्रैगन। आर यू श्योर? मुझे कुछ शक हो रहा है यार। एंट्रेंस बी अनघा। उस मोटे गंजे का पीछा करो। अनघा, उसका चेहरा देखकर कंफर्म करो। भीगो है, वो वही है। ध्यान से सुनो, उसका पीछा करती रहो। चाचू, अनघा के पास जाइए। गाइस, वी शुड नॉट लूज हिम। बबलू, जल्दी से बाइक निकालकर यहाँ पर आ जा। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। चाचू, चाहे जो हो जाए वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तुम फिक्र मत करो। एक्सक्यूज मी, लाइटर है क्या? हॉस्पिटल से अंकल का सामान ले लिया, लेकिन उनका फोन गायब हो गया। तूने ठीक से चेक किया था? हाँ किया, लेकिन शायद मार्केट में गिर गया होगा। मार्केट में गिरा? ओह नो, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? अनघा, जल्दी करो। क्या हुआ? ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। क्या हो गया? निकलो फिर बताता हूँ। तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना।
अननोन नंबर। हे, फोन क्यों नहीं उठा रहा? दारू पी के सो गया था क्या? वो सोया नहीं है जहांगीर, मैंने उसे सुला दिया। सरप्राइज्ड? मुझे तो पहचान ही लिया होगा तूने, विक्रांत, जहांगीर खान का जानी दुश्मन। वाह, क्या सरप्राइज है। तू तो अपने बाप का भी बाप निकला। तेरे बाप ने 18 साल पहले जो अकाउंट खोला था वो तेरी मौत से बंद होगा। ए! उस अकाउंट का बैलेंस सेटल करना है मुझे, और वो तेरी मौत से ही होगा। अभी नन्ना बच्चा है तू, अपनी जान बचाने की कोशिश कर बच्चे, भाग जा भाग जा। ए जहांगीर, मुझे कोई स्कूल जाने वाला बच्चा मत समझना। मेरे पिता ने खतरों से खेलने के लिए मुझे बचपन से तैयार किया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक। उसके मुंह में जीपीएस क्यों डाला? अब उसकी हर हरकत पर हमारी नजर होगी। यस सर। तुम्हें अभी केरल जाना है, तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। ओके ओके, कम ऑन, गुड लक। एक हफ्ते के अंदर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। हिनाए, सीआईडी, टास्क फोर्स, आर्मी, सब लोग हमें ढूंढ रहे हैं। इन सब से हमें बचना है। हमारे पाकिस्तान के जिहादियों के लीडर्स को यहां पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो, यह देखना अब तुम लोगों का काम है। वाह, यह सरप्राइज तो कमाल है। इतने सालों से सिर्फ एक काम के लिए तुम्हें पालते रहे हम। वो छोटा बच्चा है जिसकी मूंछ पर बाल भी नहीं आए हैं, उस बच्चे को तुमने भागने दिया। इस गलती की सिर्फ एक ही सजा है। ये सरप्राइज तो मुझे भी सरप्राइज कर गया। ले जाओ, इसे बंगले के पीछे दफना दो, और अब एंथनी को खबर कर दो। कम ऑन एंथनी। बंजारा हिल्स, ये कौन सी जगह है यार? बाप रे, क्या जगह, भूत जंगल है क्या? वो मोटा नक्सलाइट था? जीपीएस तो हमें यही जगह दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। चल 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 चल, कोई आ रहा है। चल चल चल। इतनी सुनसान जगह में वो लोग पहरा क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब जहांगीर अंदर ही है। मेरे वापस आने तक वैन में ही रहना, ठीक है? हाँ, ठीक है। गेट खोलो। सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू हिंदुस्तान। जहांगीर भाई लाल की जान दिल खुश कर दिया। पूरी दुनिया में फैला हमारा जिहादी लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं। हर कोई तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में बात करता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ठीक एक हफ्ते बाद वो बायोकेमिकल गैस बन के तैयार हो जाएगी, और उसका इस्तेमाल होते ही ये हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा।
आप लोगों की खुशियाँ और बढ़ाने की खातिर हमने दो बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया है। बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, हमारी तरफ से सरप्राइज। क्या हुआ, सब ठीक? हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं सब बाद में बताऊंगा, चलो। अरे बाप रे, ये क्या, पुलिस और सरकार क्या कर रही है? इस सब में उनके भी कुछ आदमियों का हाथ होगा। सिर्फ 4 दिनों के अंदर वो एक केमिकल वेपन बनाकर उसे इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। पुलिस को बताने से भी कोई फायदा नहीं होगा, उनका कोई खबर ही हमारा प्लान जहांगीर तक पहुंचा देगा। मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, पर इसके इस खतरनाक प्लान से पता नहीं कितने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उस वैशी को रोकने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। हाँ, चाचू ने हमें कुछ कार्ड्स दिए थे ना? ये ले, बैंक मैनेजर का कार्ड, हो सकता है ये हमारी मदद करे। ठीक है, मैं बैंक जाकर मैनेजर से मिलता हूँ, शायद वो हमारी मदद करेंगे। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हेलो विक्रांत, अभी मधेपुर के एवरेस्ट बैंक में गया है। क्या? एवरेस्ट बैंक गया है सर। मैं अभी निकलता हूँ, वहां के थाना इंचार्ज को भी बुला लो। जो कहा था वो याद है? यस बॉस। घुस के क्या कहोगे? हैट्स ऑफ बॉस। हैट्स ऑफ नहीं गधे, हैंड्स ऑफ बोलोगे। और मैं बॉस, घुसते ही सीसीटीवी कैमरा तोड़ डालूंगा और उसके बाद मैनेजर को भी पकड़ लूंगा। एग्जैक्टली, अगर ये ठीक से किया तो लाइफ टाइम सेटलमेंट्स। आगे बढ़ो। ओके बॉस। अरे इधर आ। हाँ बॉस। ये लाइन में क्यों खड़े हो? हम क्या यहाँ नए 500 और 2000 के नोट लेने आए हैं? बॉस, अभी बैंक मैनेजर अपने कैबिन में गया है, तो हमने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करें, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत ऊपर लगा था, इसलिए तोड़ नहीं पाया। मम्मा, चलो सब लोग जमीन पर लेट जाओ। तुम क्यों लेट गए? बॉस, आपने तो लेटने को कहा। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, जिन लोगों ने अपना मुंह ढका है वो खड़े हो जाएं। ओ, हमको नहीं लेटना था। ए, तुम लोग खड़े क्यों हो गए? सर, आप है तो कहे थे मास्क वाले लोग खड़े हो जाएं। अबे मतलब ये कि जिनके पास गन है वो खड़े हो जाएं। तुम्हारे क्या कमर में दर्द है? आप ही तो अभी कहे हैं कि जिन लोगों के पास गन है वो खड़े हो जाएं, हमारे पास गन है। इसकी माँ की आँख। अबे इस बुढ़ापे में गन कैसे चलाओगे? मैंने हर गन वाले को नहीं कहा था, बैंक लूटने वाले चोरों को कहा था। अब तुम क्यों खड़े हो गए? सब मिलकर इस बच्चे की जान लोगे क्या? कौन हो तुम? ली वाली का वाली हूँ। सर, सर वो अंदर है सर। अंदर चलो। बॉस, उसने आपका गाल क्यों सहलाया? बताता हूँ, पकड़ो इसे। सहलाया नहीं, यहाँ की मक्खी उड़ाई है। यहाँ तो चोर लुटेरों की लाइन लगी हुई है। सर, मैं नहीं। विक्रांत, बाहर आ जाओ, हमसे डरो मत, हमें सब मालूम है। इनफैक्ट हम तुम्हें बचाने आए हैं। विक्रांत, मेरी बात मानो, बाहर आ जाओ। पुलिस तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हारी दोस्त है। प्लीज भरोसा करो। कैसे भरोसा करूं? मैं चाहता तो तुम्हें पकड़ सकता था, पर तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज बाहर आ जाओ। बताइए क्या चाहिए आपको, क्यों पकड़ कर लाए हैं मुझे यहां? उस रोज तुम्हें किसने बचाया, अब तक कहां रहे और क्या किया, तुम्हारा प्लान क्या है, ये सब नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अब खतरे में है।
तुम्हें हमारी सिक्योरिटी की जरूरत है। मुझे सिक्योरिटी क्यों? जब मेरे माँ बाप मर गए तब कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ, इस काबिल हूँ, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अकेले बदला लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। सर आपका फोन। हाँ बताओ विठल। आपका अंदाजा सही था सर। अच्छा ऐसा, ओके। कहाँ है वो? मुझे वो लड़का चाहिए। कहाँ छुपा रखा है उसे? देखिए आपको बार बार बताया है, कानून लागू करने का तरीका होता है। ऑफिसर जिस कानून की तुम बात कर रहे हो मैं ही उस कानून को बनाता हूँ। रूल मेकर भी मैं हूँ और रूल ब्रेकर भी। मुझे कानून मत सिखाओ, उसे मेरे सामने लाओ। आखिरी बार समझा रहा हूँ, पुलिस के काम में दखल मत दो। ये फोन तेरे लिए है, जा जाकर उठा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। ओके सर, सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे तुम्हें। इसे कहते हैं कानून। मैंने आपके भाई को नहीं मारा। जानता हूं, मेरे भाई को मारने वाले ही तुम्हारे माँ बाप के कातिल हैं, ये भी जानता हूं। और अगर वो मेरे हाथ से बच गए तो तुम उन कमीनों को मत छोड़ना, चुन चुन कर मारना उन्हें। उसके बदले में तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। मैं जो भी कहूंगा वो आप करेंगे? मेरी जबान है, मेरी गारंटी। ए, अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो वरना ये एमएलए जान से जाएगा। कोई बाहुबली मत बनना, अपनी बंदूकें फेंक दो भैया, देश के सेवक को मरवाओगे। विक्रांत एमएलए को छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। मुझे अपनी भलाई की चिंता नहीं है। तुम्हें अपने पिता की भी चिंता नहीं है? मतलब विक्रम सिन्हा, वो अभी मरे नहीं है, वो जिंदा है। जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं होगा, विक्रम सिन्हा के एक्सीडेंट में मौत से 2 साल पहले एक फायरिंग में उन्हें गोली लगी थी, तब उनके दाहिने पैर में स्टील रॉड पड़ी थी, ये हमारे रिकॉर्ड्स में है। लेकिन जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो रॉड नहीं थी, ये बात तहकीकात से पता चली है। विक्रम सिन्हा की पढ़ाई, पुलिस ट्रेनिंग सब केरल में हुई थी। इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने वहां एक आदमी भेजा, मेरा शक सही निकला। मेरे आदमी ने बताया उस फार्म हाउस में तुम्हारे पिता पिछले कई सालों से छुपे हुए थे। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग निकले। ये सारी नकली कहानियां किसी बच्चे को सुनाना, मामा वो सुनकर खुश हो जाएगा। बिल्कुल। ए, मूव। ए, सुना नहीं, मूव। विक्रांत, विक्रांत। रुक। कौन हो तुम? अरे विक्की। हाँ? कहाँ है तू? ऑलमोस्ट तेरे घर के पास हूँ। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? कोई मुझे गोली मार के अनघा को ले गया। What? Oh my God, मैं अभी वहाँ आता। मेरी चिंता मत कर, I'm okay. तू जा और अनघा को बचा। सुन, मैं अनघा के पीछे जाता हूँ, तू अपना ख्याल रख। बुला अपने दीवाने को, कहाँ है वो? अगर वो आ गया ना तो तू मरेगा। उसका बाप भी आ जाए ना तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। Oh,
आप कौन? अनघा, are you okay? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चलो यहां से चलते हैं, चलो। विक्रांत, जरा रुको तो। मुझे बचाने वाले वो हैं। जानना चाहते हो वो कौन है? हाँ? वो तुम्हारे पिता हैं, विक्रम सिन्हा। जन्म देकर तो कोई भी बाप बन सकता है, लेकिन पिता कहलाने का हक सबको नहीं मिलता। मेरे पिता मर चुके हैं अनघा, चलो। मुझे लगा था तुम बहुत समझदार होगे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? जब मैं बोल भी नहीं पाता था तब मुझे छोड़कर चले गए थे वो, और दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे कि वो मर गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाकर छिप गए थे। चुप हो जाओ विक्रांत, प्लीज अपनी बकवास बंद करो। इस पूरी दुनिया में उनसे बेहतर पिता कोई है ही नहीं। क्या कहा था, वो तुम्हें अनाथ छोड़ गए? तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए वो जिंदा रहते हुए भी तुम्हारे पास नहीं आए। अगर उन दरिंदों को पता चल जाता कि तुम कहाँ हो तो वो तुम्हें मार देते। इसीलिए इतने सालों तक वो तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चले गए। एक पिता के बारे में सोचो जिसने अपने खुद के सगे बेटे को बड़ा होते नहीं देखा। तुम्हें जिंदा रखने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ सही। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उन्हें सब कुछ पता था। वो हर कदम तुम्हारे साथ थे। एक सीधे साधे कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के बेटे थे तुम। तुमने कभी सोचा है कि उन्होंने तुम्हें ये लाइफस्टाइल कैसे दी? जो चाहा वो मिला ना, वो सब इनकी वजह से। हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता विलेन है। दुनिया में कोई भी पिता अपने बेटे को और क्या दे सकता है? तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तुम कम से कम इतना तो सोचो कि इतने सालों से उन पर क्या बीती होगी। पापा, भले ही मैंने तुझे बचपन से एक पिता की तरह प्यार ना दिया हो, भले ही मैंने तेरी परवरिश ना की हो, लेकिन एक पिता की तरह मैं तेरी हिफाजत करता रहा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस पूरी हकीकत से अनजान था। मेरे लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अगर मुझे सच का पता होता ना तो मैं तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा मेरे आशीर्वाद रहे। तुम जैसे रहना चाहते हो रहो, जो करना चाहते हो करो, मगर तुम्हारी सांसों से ही मेरी सांसें हैं, इस बात को याद रखना। यहां का मामला मैं संभालता हूं, तुम जाओ बेटा। अब तो मेरी सांसें भी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं भी आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। हम दोनों को अलग करने की कीमत उस जहांगीर को चुकानी पड़ेगी। मैंने उसे देखा है, वो इसी शहर में है पापा। क्या कहा, मुझे बताओ वो कहाँ है। उसकी जिंदगी को खत्म करके ही मुझे सुकून मिलेगा बेटा। नहीं पापा, अब ये हम दोनों के बदले से भी कहीं बढ़कर है। उसने आतंकवादियों के साथ हाथ मिला लिया है और वो लाखों बेगुनाह लोगों को मारने का प्लान बना रहा है। वो एक बहुत भयानक बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने वाला है। बस 2 दिन का वक्त है, हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। वो शहर के बाहर एक हवेली में काम कर रहा है, अगर हमने उसे नहीं रोका तो तबाही आ जाएगी। उसे रोकने का हथियार मेरे पास है। यही सोच रहे हो ना कि इसका जहांगीर से क्या रिश्ता है? ये उसका गंदा खून है। बाप रे, आपने इतने सालों से इसे पकड़ कर रखा था। जानता था कि एक रोज जहांगीर तुम्हें ढूंढ ही लेगा, इसीलिए इसे बचा के रखा। अगर वो तुम्हें छुएगा
तो अपने बेटे को खोएगा। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पहले यहां से निकलना होगा। ठीक है, आओ। इस वायरस का सैंपल टेस्ट करने का वक्त आ गया है बॉस। अब हिंदुस्तान बन जाएगा कब्रिस्तान। बात हमें आपका सपोर्ट चाहिए सर। मेरी तरफ से तुमको पूरी छूट है। थैंक यू सर। बात फाइलों में नहीं उलझनी चाहिए, जाओ और उसे खत्म करो। जानी दुश्मन अपनी मौत की उल्टी गिनती शुरू कर। टिक टॉक।
लेट्स मूव। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू सर। कम से कम आपने तो मेरे इरादों को गलत नहीं समझा। इट्स ओके। देखिए, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जहांगीर खान आज मारा गया। हमें इस बात की खुशी है कि इस सीक्रेट ऑपरेशन को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने सफलता से पूरा किया। उसने भयंकर जानलेवा वायरस तैयार किया था। इससे पहले कि वो फैल जाता, हमने उसे रोक लिया। हमने उसके साथियों को पकड़ लिया है। अब देश की जनता निश्चिंत रह सकती है। एक मोस्ट वांटेड अपराधी आज मारा गया। मैं प्रवीण प्रकाश हूँ। हेलो सर। जहांगीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी है क्या? जी हाँ, रेडी है सर। अपने बेटे को आखिरी बार देख ले। जीनियस। थैंक यू। तुझे सलाखों के पीछे डालूंगा। जिंदगी भर तुझे वहां ना सड़ाया तो मेरा नाम विक्रम सिन्हा नहीं जहांगीर।